The Lallan Top Show is sponsored by Khatabook. Business हुआ easy. Khatabook app आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाताबुक के साथ भेजे हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से, खाता हुआ खाताबुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। इंटरनेट की दुनिया में ट्विटर सबसे तेज बजने वाला बाजा है, इसलिए सारे नामचीन ट्विटर पर जमे हुए हैं। अब हैकर्स ने ट्विटर और नामचीनों को साथ में निशाना बनाया है और इसीलिए हल्ला मचा है। इसकी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकने वाले शख्स ने अचानक कहीं और जाने का फैसला कैसे कर लिया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले की हैं। तस्वीर में नजर आ रहा पुल एक महीने में दूसरी बार तमाशा बना है। तारीख नोट करिए, 16 जुलाई 2020, आज से ठीक एक महीने पहले माने 16 जून को बिहार के एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन किया था। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाले इस पुल को बनाने में 8 साल और 263 करोड़ 47 लाख रुपए लगे थे, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद 15 जुलाई 2020 को 70 घाट पुल से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और पुल के पास सड़क धंस गई। गंडक के प्रवाह ने सड़क को पुल से अलग कर दिया। 70 घाट पुल अपनी जगह खड़ा है लेकिन फिलहाल किसी काम का नहीं। छपरा, सीवान, गोपालगंज, इन जिलों से मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा की ओर आने जाने वाले वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, उसके पीछे खड़ी पार्टियों और पूरी सरकार के लिए निहायत शर्म की बात होनी चाहिए थी कि एक महीने के भीतर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बाढ़ के पानी में बेकार हो जाता है। जिस बाढ़ को पाटने के लिए पुल बनाए गए थे वही बाढ़ की भेंट चढ़ गए। लेकिन बिहार सरकार की ऊर्जा उन खबरों को गलत बताने में खर्च हो रही है जिसमें यह कह दिया गया कि जिस पुल का सीएम ने उद्घाटन किया वो बह गया। तकनीकी रूप से बात या प्रशासन की आपत्ति सही है, पुल नहीं बहा, कुछ दूरी पर अप्रोच रोड बही है माने पुल तक जाने वाली सड़क। लेकिन इन तकनीकी खामियों में सिर खपा रही बिहार सरकार को क्या उस तकनीक के बारे में भी दो शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे ऐसा घटिया निर्माण हुआ। गंडक न 15 जुलाई को बहना शुरू हुई, न 16 जून को और न ही 8 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई। बाढ़ बिहार में हर साल आती है, कितने इंच पानी बरसने पर नदी कितने मिलीमीटर उठती है, इसका विस्तार किनारों पर कितने सेंटीमीटर होता है, ये सब तो पीडब्ल्यूडी विभाग को मालूम ही होगा। फिर ये सड़क कैसे धंस गई, यही सवाल पूछ रहे हैं बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी। ये पुल बैकुंठपुर के इस विधायक के इलाके में ही आता है और तिवारी भाजपा में है, इस नाते सरकार का हिस्सा भी है। उन्होंने बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। बकौल तिवारी, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिहार की एनडीए सरकार की लापरवाहियों के इकलौते सबूत हो। 15 जुलाई को ही दो और वीडियो सामने आए, एक सुपौल से, यहाँ कोविड केयर सेंटर बाढ़ में डूब गया और डॉक्टर ठेले पर बैठ कर जाने को मजबूर हो गए। बिहार में तंत्र किस हाल में है उसके सारे संकेत इस तस्वीर में है। सब कुछ डूब रहा है लेकिन सरकार की रफ्तार साइकिल वाले ठेले की तरह है। दूसरा वीडियो भागलपुर से था, यहाँ एक शख्स दवाई की दुकान पर गया, अचानक तबीयत बिगड़ी, दुकान की दहलीज पर ही धराशायी हो गया। कोविड-19 का खौफ ऐसा कि कोई मदद के लिए नहीं आया। उस शख्स की मौत दवा की दुकान की चौखट पर हुई। प्रशासन को सूचना दी गई लेकिन उस शख्स का शव 6 घंटे तक उसी अवस्था में पड़ा रहा जिसमें दम निकला था। जिन मामलों में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं वहां भी कोई सुरक्षित नहीं। 8 जुलाई को पटना के चाइल्ड होम से एक लड़की को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज लाया गया। आरोप है कि रात 2 बजे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में तैनात एक गार्ड ने नाबालिग लड़की से रेप किया।
चाइल्ड वेलफेयर की कर्मचारी 15 जुलाई को लड़की का हाल जानने आइसोलेशन सेंटर पहुंची तो लड़की ने रोते हुए घटना बताई। बिहार में कुशासन के सबूत देती ये लिस्ट बढ़ते बढ़ते दी ललन टॉप शो का पूरा वक्त ले सकती है, लेकिन उदाहरण कम नहीं होंगे। इस चौपट राज में नीतीश का सहारा बनी भाजपा का हाल भी जान लीजिए। पटना में भाजपा मुख्यालय कोविड-19 का हॉटस्पॉट बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि संगठन सचिव नागेंद्र नाथ, महासचिव देवेश कुमार और पार्टी उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा समेत कम से कम 75 भाजपा नेता कोविड पॉजिटिव हैं। इस स्थिति के बावजूद सूबे में भाजपा प्रवक्ता रंजनी रंजन पटेल के मुताबिक ये संख्या 25 है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर बना भाजपा मुख्यालय बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है, रैलियों की और दूसरी किस्म की तैयारियां। 9 जून को गृहमंत्री अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली को सुनने के लिए भाजपा के तमाम प्रमुख नेता इस दफ्तर में मौजूद थे। 14 जुलाई को द प्रिंट वेबसाइट पर छपी खबर में ये जानकारी है। खबर में ये भी बताया गया कि तब से इस दफ्तर से लगातार हुई रैलियां, जिनमें सूबे के भाजपा नेता जिलों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संवाद कर रहे थे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसने अपनी गाइडलाइंस में अब तक व्यापक राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी है, लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर के बगल से गाड़ी निकाल ली जाती है, उसी तर्ज पर बिहार में भाजपा का प्रचार भी चल रहा है। ये हाल तब है जब बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के पास है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा के विधायक हैं। जनता को नागरिक बनना था, लेकिन पार्टियां उसे महज मतदाता बनाकर अपना काम करती हैं, चाहे कोविड हो या बाढ़। बिहार पर जितना अफसोस जताया जाए कम है। हम बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 32,695 नए मामले सामने आए और 606 लोगों की मौत हुई। 20,783 लोग ठीक हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए 9,68,876। मौत का आंकड़ा 24,915 और ठीक हुए 6,12,815। इस बीच इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने राज्यों द्वारा जारी किए गए टेस्टिंग के आंकड़ों के अध्ययन में पाया कि कई राज्य टेस्टिंग बढ़ा ही नहीं रहे, एक तय संख्या में ही टेस्ट कर रहे। जुलाई के पहले दो हफ्तों में पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और बिहार में टेस्टिंग की संख्या औसत के आसपास ही रही। नतीजतन इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, माने उतने ही टेस्ट में ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी सरकारें अब भी अपने यहाँ के कोरोना आंकड़े दबाने के लिए टेस्टिंग पर रोक लगाए हुए हैं। भुगतेगा कौन, आप अच्छे से जानते हैं। दूसरी सुर्खी कुलभूषण जाधव से जुड़ी है। कुलभूषण भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाकर मौत की सज़ा सुनाई है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामले की समीक्षा के लिए याचिका लगाने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली ने इस दावे का खंडन किया था और कहा था कि कुलभूषण पर अपील न करने के लिए दबाव डाला गया है। 16 जुलाई की दोपहर खबर आई कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने की अनुमति मिल गई है। ये दूसरी बार है कि कुलभूषण मामले में काउंसलर एक्सेस मिला है। 15 जुलाई को आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो देखा होगा, जिसमें पुलिस एक दंपति पर लाठी डंडे बरसा रही है। उनके बच्चे ये देखकर रो भी रहे हैं। शासकीय कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने जमीन आवंटित की थी। कुछ समय पहले यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद लोग फिर जम गए और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। इन्हें हटाने के लिए SDM के नेतृत्व में पुलिस पहुंची, जिससे लोगों ने मारपीट की। जब खेत में JCB चलने लगी तो खेती कर रहे दंपति राजू और सावित्री अहिरवार ने कीटनाशक पी लिया। महिला की हालत नाजुक हो गई। ये सब गुना में हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका गुना, जो हाल ही में भाजपा के हुए। वही सिंधिया जिन्हें अपने समर्थकों के लिए उपचुनाव में वोट मांगना है, तो कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मामले की जांच के लिए समिति बना दी है। उधर सिंधिया कह रहे हैं कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा भरोसा है। मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि गुना के मैजिस्ट्रेट और SP को हटा दिया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल की इंक्वायरी भी बिठा दी है। अगली सुर्खी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली दंगों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि दंगा भड़काने में BJP नेताओं की भूमिका थी, लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया था, दंगा प्लानिंग के तहत और टारगेटेड था। 23 फरवरी को कपिल मिश्र के भड़काऊ भाषण के बाद दंगा और हिंसा शुरू हुई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टी को लूट लिया गया, इबादतगाह और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। आयोग ने दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को नाकाफी बताया और साथ ही कहा कि ये काम ईमानदारी से किया जाए। अब बात करते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाले झगड़े की। बुधवार को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को नोटिस दिया। नोटिस इस बात को लेकर था कि आप कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, क्या दल बदल कानून के तहत आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए। शुक्रवार तक इस पर जवाब मांगा गया था। सचिन पायलट इस नोटिस के खिलाफ राजस्थान के हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने अपील कर दी है। पायलट ने अपील की तो पीछे पीछे अशोक गहलोत भी चले गए। गहलोत की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कैविएट दाखिल की। इस बात पर कैविएट कि सचिन पायलट वाले मामले में हमें भी पार्टी बनाया जाए और हमारी बात सुनने के बाद ही फैसला दिया जाए। हाईकोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा।
सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट के तरफ से हरीश साल्वे वकील हो सकते हैं, यानी कोर्ट में हरीश साल्वे वर्सेस अभिषेक मनु सिंघवी की धमक सुनाई देगी। तो मामला कोर्ट में है, मामला विधानसभा अध्यक्ष के सामने है और मामला भी आला कमान के सामने भी है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और उनके दूत लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं, लेकिन सचिन पायलट खेमा कह रहा है कि एक तरफ तो कहा जाता है कांग्रेस के दरवाजे अब भी खुले हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चेहरे और अंग्रेजी को लेकर बयान देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष नोटिस भेजते हैं और कांग्रेस कह रही है कि आप अपना दामन साफ बताने से पहले भाजपा के शासन वाले हरियाणा राज्य के होटलों में आपकी जो मेहमान नवाजी चल रही है उससे मुक्त होइए। यानी दोनों तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं और बीजेपी मुस्कुराकर देख रही है, देखी भी क्यों ना शत्रु के खेमे में फूट पड़े तो कोई भी मुस्कुराएगा। आखिरी सुर्खी दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज मामले से जुड़ी है। इस मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने 275 विदेशी नागरिकों को सज़ा सुनाई है। ये सज़ा थी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की, साथ में 5 से 10 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इन लोगों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी के नियमों की अवहेलना हुई। इन लोगों ने फॉरेनर्स एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं की अवहेलना की बात भी कबूल की। ये लोग चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों से निज़ामुद्दीन मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। ये थी सुर्खियाँ। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अगर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता तो अगले साल के अप्रैल महीने में एक दिन हम इसी बुलेटिन में आपको बताते कि अशोक लवासा देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अशोक लवासा को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा अभी चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बाद अगले साल अप्रैल में अशोक लवासा ही चुनाव आयुक्त होते और वो करीब 1.5 साल हमारे देश के चुनाव आयोग के मुखिया होते। किसी भी संस्था का संभावित मुखिया जब रास्ते से हटता है तो अक्सर खबर बनती है, और खासकर जिस संस्था की जिम्मेदारी देश भर में चुनाव कराने की होती है उसमें किसी पद पर कोई फेरबदल हो तो खबर बड़ी होती है। अशोक लवासा से पहले सिर्फ एक बार 1973 में कोई भावी मुख्य चुनाव आयुक्त रास्ते से हटा था। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार अशोक लवासा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखना चाहती थी। हम अभी किसी नतीजे पर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको तथ्य बताएंगे। पहले तो अशोक लवासा की नई नियुक्ति के बारे में समझ लीजिए। एशियाई देशों के विकास और आर्थिक सहयोग के मकसद से बना है ADB। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है, जहां अशोक लवासा अब आगे की नौकरी करेंगे। वो दिवाकर गुप्त की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ADB ने कहा कि लवासा का भारतीय सिविल सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन करियर रहा है। उन्हें सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका का गहरा ज्ञान है। पेरिस समझौते की जलवायु परिवर्तन वार्ता में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। समझौते में भारत के योगदान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जिसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया। इस तरह की एक उपलब्धियां बताने की परंपरा इस तरह की संस्थाओं में है। हमारे दफ्तरों में भी जब किसी बड़ी नियुक्ति का ऐलान होता है तो HR वाले प्रोफाइल बताते हैं। लेकिन क्या इसी प्रोफाइल के आधार पर ADB ने अशोक लवासा को नौकरी दी? बिल्कुल नहीं। न्यूज़ एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक ADB में लवासा की नियुक्ति भारत सरकार की सिफारिश पर हुई है। ADB और अन्य एजेंसियों के कामकाज की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तब तक किसी की नियुक्ति की घोषणा नहीं करती जब तक कि वह व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जा रहा है अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। इसके साथ ही बहुपक्षीय एजेंसियों में उच्च स्तर पर कोई भी नियुक्ति सरकार की सहमति के बिना भी नहीं होती। यहाँ ये बात साफ होती है कि मोदी सरकार भी चाह रही कि अशोक लवासा ADB में पद संभालें, मुख्य चुनाव आयुक्त न बने, और अशोक लवासा ने भी इसके लिए सहमति दी है। प्रकट तौर पर अभी अशोक लवासा की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई कि वो खुद भी ADB जाना चाहते थे। और सवाल पूछे गए तो एक बात सामने आई, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोनों बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी भी नहीं। चुनाव आयोग में लवासा के इस्तीफा देने की खबरें अभी तक नहीं आई हैं। ADB में उन्हें सितंबर में कार्यभार संभालना है। इंडियन एक्सप्रेस ने जब ADB से पूछा कि क्या लवासा की नियुक्ति के लिए सरकार से सलाह ली गई थी तो अखबार को इसका सीधा जवाब नहीं मिला। बहरहाल ये बातें बिटवीन द लाइन्स वाली हैं, लिखित में कुछ नहीं, बस समझने की बात है। लेकिन अधिकारी के जो करीबी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि उनकी भी रजामंदी है और सरकार की भी। बाकी सियासत है, तमाम व्याख्याएं होती हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार नहीं चाह रही होती कि अशोक लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो सरकार की इस नापसंदगी के पीछे भी तो कोई वजह होती। क्या वजह है?
इसे भी टटोल लेते हैं जो राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 मई का महीना, नरेंद्र मोदी की धनाधन चुनावी सभाएं चल रही थी। इस बीच मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। कुल 4 शिकायतें। आरोप थे कि नरेंद्र मोदी ने लातूर और चित्रदुर्ग में दिए भाषण में पहली बार वोट दे रहे लोगों को बालाकोट हमले के नाम पर बरगलाने की कोशिश की थी। वहीं वर्धा और नांदेड़ में नरेंद्र मोदी ने बहुसंख्यक व नाम अल्पसंख्यक संबंधी भाषण दिया था। यह आरोप विपक्ष ने लगाए। इन शिकायतों की जांच के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अशोक लवासा की टीम बैठी। इन सभी शिकायतों में सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, जबकि अशोक लवासा ने असहमति जताई। मतलब 2-1 के फैसले से चुनाव आयोग ने पाया कि नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग की क्लीन चिट में अशोक लवासा की आपत्तियों का जिक्र नहीं किया गया था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि अगर 3 सदस्यों का जांच आयोग बना है तो हर सदस्य की राय ऑन रिकॉर्ड की जानी चाहिए, उनकी भी, जिन्होंने इस फैसले के विरुद्ध मत रखा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में होता है कि हर जगह की टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड होती है हर जज की, लेकिन अशोक लवासा की बात नहीं मानी गई। इसके बाद लवासा ने आयोग की आदर्श आचार संहिता की मीटिंगों में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद एक धड़े ने अशोक लवासा की इस बात पर तारीफ की कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कर अशोक लवासा सत्ता से भी टकरा सकते हैं, लेकिन सत्ता अशोक लवासा के इस टकराव को कितना सहन कर रही थी यह भी सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद दिखना शुरू हो गया। अशोक लवासा, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी को कई तरह के नोटिस भेजे गए। साल 2019 में अगस्त के महीने में इनकम टैक्स विभाग ने अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा को उनके इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी के लिए नोटिस जारी किया। कुछ दिनों बाद अशोक लवासा के बेटे अबीर और उनकी बहन शकुंतला लवासा भी आयकर विभाग के घेरे में आए। बच्चों की डॉक्टर शकुंतला लवासा को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। शकुंतला लवासा ने गुड़गांव में एक अपार्टमेंट खरीदा था, इसी अपार्टमेंट पर आयकर विभाग से नोटिस भेजा था। रूपाली बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई 4 मंजिला इमारत में शकुंतला ने घर खरीदा, जिसमें पहले से अशोक लवासा और नोवेल लवासा के अपार्टमेंट मौजूद थे। हालांकि आईटी विभाग ने कथित स्टाम्प ड्यूटी चोरी के मामले में अशोक लवासा के परिवार को क्लीन चिट दे दी थी। सरकारी अड़चनों वाला ये सिलसिला यही नहीं थमा। अशोक लवासा पर आरोप लगे कि नोटबंदी के बाद उन्होंने 4,93,000 रुपये नकद जमा किए। गुड़गांव में एक निर्माण कार्य के लिए 46,65,000 रुपये नकद भी दिए। साथ ही घरेलू नौकर के बैंक खाते से किसी बिल्डर को 9,57,000 रुपये का भुगतान भी किया। इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट में अशोक लवासा पर कई आरोप लगाए गए। लवासा साल 2009 से 2013 तक ऊर्जा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के पदों पर कार्यरत थे। लवासा पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने बतौर IAS अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का इस्तेमाल कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। लवासा और उनके परिवार पर लगे आरोपों की जांच चल रही है। अभी अशोक लवासा किसी भी मामले में दोषी नहीं पाए गए हैं। यहाँ जहन में एक वाजिब सा सवाल उठता है कि जब मौजूदा सरकार, उसकी एजेंसियां ही ये मान रही हैं कि अशोक लवासा ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ऐसे आदमी के नाम की सिफारिश सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बड़े पद के लिए क्यों की? क्या ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार ने सिर्फ एक भावी मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने से हटाने के लिए ये गणित बिठाया है? कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को हफ्ता भर होने को आया। रोज लिखे जाने वाले मीडिया साहित्य में एनकाउंटर का पन्ना नीचे दबता जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ सवाल हैं जो रह रहकर यूपी पुलिस को घेर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। 16 साल, अभी 2 महीने का भी नहीं, 16 साल 2 महीने से कम ही का था। 27 तारीख को 2 महीने को था पूरा। अच्छा, तो ये अपराधी कैसे बन गया? भैया अपराधी क्या, वो बताएं, ये सब हुआ और घर पे कोई था नहीं, हम ही माँ बेटे और दादी उनकी थी, और बेटी थी वो ना ख़त्म हो गए तो वहाँ चली गई थी। और जब ये सब के बंद हुआ तो हमने कहा भैया भाग जाओ, तो वो भागने लगा, भाग गया। स्कूल की मार्कशीट दिखाकर ये महिला कह रही है कि उनका बेटा तो सिर्फ 16 साल का था, उसे भी यूपी पुलिस ने मार दिया। किसकी बात कर रही है ये प्रभात मिश्र की माँ है। प्रभात मिश्र उन 6 लोगों में है जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कानपुर वाली घटना के बाद किया। प्रभात मिश्र का स्कूली दस्तावेजों में नाम कार्तिकेय मिश्र है। 8 जुलाई को खबर आई थी कि हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे का सहयोगी प्रभात गिरफ्तार किया गया। प्रभात से हथियार बरामद होने की बात भी पुलिस ने कही थी, और UPSTF ने प्रभात मिश्र को फरीदाबाद से सड़क के रास्ते कानपुर ले जाने का फैसला किया। अगले दिन पुलिस ने खबर दी कि प्रभात मिश्र की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कानपुर के पनकी बाईपास के पास गाड़ी पंक्चर होने के बाद प्रभात मिश्र ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मार दिया गया। वहीं बी ग्रेड फिल्मों वाली कहानी जो हर एनकाउंटर के बाद पुलिस सुनाती है। हमारी किसी बदमाश से कोई सहानुभूति नहीं। लल्लन टॉप डे वन से कह रहा है, इस मामले में जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने जुर्म किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसने क्या जुर्म किया है, उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारे देश में कोर्ट तय करता है। और यदि कोर्ट से अपराधी छूट जाते हैं तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।
ठीक से सबूत नहीं जुटाए गए, ठीक से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, ठीक से पैरवी नहीं हुई या जुडिशरी पर कोई दबाव था। इन सब सुधारों की जरूरत है। हर अपराधी की सजा वो नहीं हो सकती जो वाया पुलिस एनकाउंटर मिलती है। प्रभात मिश्र के एनकाउंटर के बाद पुलिस की प्रेस रिलीज में उसकी उम्र 20 साल बताई गई, लेकिन उसके घर वाले जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उस पर 27 मई 2004 की तारीख है, यानी उम्र 16 साल 2 महीने। आधार कार्ड पर भी यही जन्मतिथि है। प्रभात मिश्र ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की। अगर परिवार वालों की बात सही है तो ये यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल है। किसी भी जुर्म में नाबालिग को मौत की सजा नहीं मिलती, उसे सुधरने का मौका दिया जाता है। और इस मामले में हमें यह भी नहीं मालूम कि प्रभात मिश्र का जुर्म कितना संगीन था। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एक और कड़ी छूट रही थी। राहुल तिवारी नाम का वो शख्स जिसने विकास दुबे के खिलाफ FIR लिखवाई थी और उसी के बाद पुलिस दबिश देने गई थी, कल राहुल तिवारी मीडिया के सामने आया और उसने कई नए खुलासे किए। सुनिए। आपने FIR एप्लीकेशन दिया थाने में, तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को साहब ने हमसे कहा आइए तुम्हारी घटना स्थल की जानकारी करने चल के। तो हम थाने गए, थाने से साहब को लेके गए घटना स्थल पे। जब घटना स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा और देखे क्या कहना, चलो बैठो, चलो बिक्रू चलते हैं। तो हम चले गए उनके साथ बिक्रू। बिक्रू में पहुँचते ही 1 तारीख की घटना आई। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के गुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी। गाने इसको मार तो मार दूंगे। यशो साहब को भी बहुत हकाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा। यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया। राहुल तिवारी ने बताया कि चौबीपुर थाने के SO विनय तिवारी उसे विकास दुबे के घर पर लेकर गए। वहां विकास दुबे ने उसके साथ मारपीट की। राहुल तिवारी के मुताबिक विकास दुबे ने SO से भी गाली गलौज की, जिसके बाद SO विनय तिवारी ने जनेऊ दिखाकर कहा था कि मैं भी पंडित हूँ, मुझे बख्श दीजिए। विनय तिवारी वही SO हैं जिन पर विकास दुबे से मिली भगत का आरोप लगा है। बाद में इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी की पुलिस भी हिसाब बराबर वाले लहजे में है, लेकिन ये हिसाब बराबर नहीं है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिए थे कि कोर्ट एनकाउंटर की जांच के आदेश दे सकता है। इस पर अगला फैसला आना अभी बाकी है। रही बात सोशल मीडिया के उन धुरंधरों की, जो इसे ब्राह्मण बनाम दूसरी जातियां बना रहे हैं, उनकी मूर्खता का भी कोई अंत नहीं है। विकास दुबे जैसे अपराधी किसी भी जाति के हों, उनके साथ सख्त से सख्त व्यवहार होना चाहिए। ये अपराधी जाति देखकर अपनी क्रूरताओं का नंगा नाच नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ पुलिस को कोसने से बचिए, अपने दामन में भी झांकिए, अपने समाज को देखिए, अपने नेताओं को देखिए, अपने सिस्टम को देखिए। ये कहीं अलग से नहीं बनता है, हमारे बीच के ही लोग हैं जो इन सब अंगों का हिस्सा है। दूसरों को कोसने से व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी, और ये बात मीडिया पर भी लागू होती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज सुबह उठकर जब हमने आतन ट्विटर खोला तो अमेरिका के कई बड़े लोगों के अजीब से ट्वीट दिखे। हर दिन देश दुनिया पर समझदारी की बात लिखने वाले ये लोग ट्विटर पर बिटकॉइन बेच रहे थे, 1 घंटे में पैसे डबल कर रहे थे। इन अकाउंट से हुए ट्वीट लगभग एक जैसे थे। कुछ घंटे के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए। जिन लोगों के ट्विटर पर ये 1 घंटे में पैसे डबल वाली बात थी, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, टेस्ला के CEO एलन मस्क, अमरीकी रैपर कान्ये वेस्ट, अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन, अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, ऊबर समेत कई ट्विटर अकाउंट थे। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। आज मुझे $1,000 दीजिए, मैं $2,000 लौटाऊंगा। क्या हुआ था ये? ट्विटर पर ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला है। इन सभी लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे और फिर उनसे बिटकॉइन वाले ट्वीट किए गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि किसने इतने बड़े स्तर पर हैकिंग की है। हैकिंग वाले इस मामले की तुरंत बाद ट्विटर ने ट्वीट और रिट्वीट फंक्शन को डिसेबल कर दिया। ट्विटर ने कहा कि हम इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। इसके चलते यूजर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट नहीं कर पा रहे होंगे और ना ही पासवर्ड रीसेट कर पा रहे होंगे। हैकिंग कैसे हुई इसकी भी ट्विटर ने जांच की। ट्विटर ने कहा कि हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक को डिटेक्ट किया है। हैकर्स ने हमारे कुछ कर्मचारियों के अकाउंट्स को इंटरनल सिस्टम और टूल्स के जरिए टारगेट किया था। उन्होंने इंटरनल एक्सेस का इस्तेमाल करके कई वेरीफाइड अकाउंट्स को कंट्रोल किया और उनके बदले ट्वीट किया, यानी ट्विटर के अंदर के सिस्टम से दुनिया भर के लोगों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए। इससे एक बार फिर ये बात जाहिर होती है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जाने कब कौन पैसे डबल करने लग जाए। आज के ललन टॉक शो में इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं विष्णु नागर की कविता
पानी हूँ इसलिए, मैं पानी हूँ इसलिए मुझ पर आरोप नहीं लगता कि मैं बर्फ क्यों बन गया, कि मैं भाप क्यों बन गया, या मैं तब ठंडा क्यों था और अब गर्म क्यों हो गया हूँ, या मैं हर बर्तन के आकार का क्यों हो जाता हूँ। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मेरे बारे में राय बनाने से पहले ये याद रखते हैं कि मैं पानी हूँ, और यह सलाह नहीं देते कि मैं कब तक पानी के परंपरागत गुण धर्म निभाता रहूँगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।